is Gaurav Chaurasia, your spoken English language friend. In today's lesson, we will be talking about does he have. This is a very important lesson. After completion of this lesson, you will be able to speak, write and understand. So here we go. दोस्तों इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेसन को जरूर देखिएगा जहां पर आई हैव यू हैव डू यू हैव या आई हैव गॉट यू हैव गॉट और हैव यू गॉट की बात की गई है। दोस्तों ये दोनों ही तरीके इसमें से एक अमेरिकन है तो दूसरा ब्रिटिश है। यहां पर हमने आई यू वी दे के पास में किसी वस्तु के होने के बारे में बताया या फिर आधिपत्य मतलब पोजिशन के बारे में बात की। ठीक उसी तरह सेम कंडीशन में आज हम ही और शी के साथ भी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल ही और शी की बात ही करना चाहूंगा मतलब थर्ड पर्सन की। जब भी कोई थर्ड पर्सन मतलब आई यू को किसी तीसरे व्यक्ति के पास में किसी वस्तु के होने की बात कहे तो हम यूज करेंगे ही हैज। मान लेता हूं कि जो फोन उस वीडियो में आपने मेरे पास देखा था He has my mobile. आधिपत्य है क्या? नहीं, होल्डिंग है, रखे हुए है। He has my mobile. He has my car. आपने मेरी कार बैंक के पास पार्क देखी? वो मैं नहीं था। My brother took it. Right now, उसी के पास है। He has my car. He has my laptop. तो मेरी जो चीजें उसके पास हैं, तो क्या उसका आधिपत्य है? नहीं, होल्डिंग है, रखे हुए है। तो उसके पास क्या है? उसके पास गिटार है। He has a guitar. I have a laptop, but he has a personal computer. He has a radio. He has a camera. Now see, यहां पर मैं थर्ड पर्सन के पास में किसी वस्तु के होने की बात कर रहा हूं या फिर उसी सेंस में आधिपत्य होने की बात, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही है। दूसरा केस, इसमें भी अमेरिकन और ब्रिटिश दो तरीके बनते हैं। ही हैज अ मोबाइल, ही हैज अ कैमरा, ही हैज अ लैपटॉप, ये अमेरिकन तरीका है। यहां पर अगर मुझे कंफर्म करना होगा तो मुझे टाइम वर्ड निकालना पड़ेगा जो यहां पर है डज, हैज नहीं, रिमेंबर यहां पर हैज टाइम वर्ड नहीं है, यहां पर डज टाइम वर्ड है। तो मैं डज को निकालूंगा और बोलूंगा डज ही हैव। यही बात सीखने लायक है क्योंकि यहां पर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई हैव अ मोबाइल तो यू हैव अ मोबाइल और यू से कंफर्म करना है तो डू यू हैव अ मोबाइल। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक वैसे ही हैज अ मोबाइल। एक्चुअली हैव और ज लगाकर हैज बनता है, हैव्स नहीं बनता। हैव्स का मतलब इंग्लिश में कुछ और होता है। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ठीक जैसे गो में ज लगाकर गोज बनाते हैं, राइट में ज एस और एस लगाकर राइट्स बनाते हैं, रीड में एस और एस लगाकर रीड्स बनता है, ठीक वैसे ही हैव में एस या एस लगाकर हैज बनता है। तो अपने लिए क्या कहा? आई हैव। और समझने के लिए जैसे आई टेक, ही टेक्स, आई गो, ही गोज, आई राइट, ही राइट्स, ऐसे ही आई हैव, ही हैज, यू हैव, डू यू हैव, ठीक वैसे ही हैज, ही गोज। कंफर्म करने के लिए क्या निकालते हैं आप? टाइम वर्ड डज, तो डज ही गो। He writes, time word क्या निकालते? Does, तो does he write? तो ऐसे ही मैंने कहा he has a laptop, तो time word क्या निकालेंगे आप? Does, तो बनेगा does he have a laptop? Does he have a mobile? Does he have a car? Does he have a bike? Does he have a toy? ये है अमेरिकन तरीका। लेकिन अगर मैं ब्रिटिश तरीके की बात करूं तो मैं यहां पर गॉट का इस्तेमाल कर लूंगा। आई हैव गॉट, यू हैव गॉट,
he has got. अब यहां पर मैं has निकालूंगा, बोलूंगा has he got. तो difference है, does he have a car और has he got a car. Does he have a pen, has he got a pen. Does he have a laptop, has he got a laptop. तो जहां पर आपने has he got दिखाई दे रहा है confirmation में, ये ब्रिटिश तरीका है, और यहां पर आपको I have, you have, he has दिखाई दे रहा है, या does he have दिखाई दे रहा है, ये अमेरिकन तरीका है कंफर्म करने का. Does he have a car? Has he got a car? अब मैं आपको ये दोनों बता क्यों रहा हूं. विश्व भर में वैसे तो कई प्रोनंसिएशन, कई एक्सेंट्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है वो अमेरिकन और ब्रिटिश. हमारे इंडिया में हम ज्यादातर इन प्रोनंसिएशन का इस्तेमाल करते हैं. आप जो मर्जी चाहें बोले, लेकिन अगर आपसे कोई बोले तो आप समझ पाएं, इसके लिए ये जानकारी होना आवश्यक है. आप आई हैव अ लैपटॉप बोलें ये भी सही है, आप आई हैव गॉट अ लैपटॉप बोलें यह भी सही है, लेकिन दोनों में की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है. दूसरी बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने लायक, एक सेंटेंस में जहां पर हैव या हैज टाइम वर्ड है, तो दूसरे सेंटेंस में जहां पर हैव और हैज एक्शन है. अमेरिकन सेंटेंस में यह हैव और हैज एक्शन है, इसीलिए टाइम वर्ड डू या डज को निकाला जाता है, और ब्रिटिश सेंटेंस में हैव या हैज टाइम वर्ड है, इसीलिए यहां पर इनको ही निकाल लिया जाता है. तो आप दोनों में कंफर्मेशन के टाइम देखिएगा, डू यू हैव अ कार, डू निकाला, हैव यू गॉट अ कार, हैव निकाला. एक और बात, कैसे पता चलेगा कि हैव यहां पर टाइम वर्ड है या हैव एक्शन है, कि किसी और क्लास में मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि हैव कब एक्शन होता है और हैव कब टाइम वर्ड होता है. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग.